पिछले भाग में आपने देखा कि एक शिव जयंती उत्सव में तिलक जी दामोदर चाफेकर को रैंड की हत्या करने की अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा देते हैं। चाफेकर बंधु और उनके मित्र देवी के मंदिर में रैंड का वध करने की शपथ लेते हैं। रात के वक्त पार्टी से लौट रहे रैंड को मारने की योजना बनाई जाती है और उसे सच करके भी दिखाया जाता है, मगर उस कोशिश में गलती से आयरस नाम का एक अफसर भी मारा जाता है। खूनी की तलाश में पुलिस पूना के नागरिकों पर अत्याचार का कहर ढा देती है। तिलक जी से तहकीकात करने के लिए सरकार ब्रुइन नाम के एक चालाक अधिकारी को नियुक्त करती है। ब्रुइन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद तिलक जी को फंसा नहीं पाता। पुलिस अत्याचारों के खिलाफ केसरी में एक के बाद एक विस्फोटक लेख छपते रहते हैं। उन लेखों के विरुद्ध सरकार तिलक जी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाती है और उन्हें सजा के तौर पर जेल भेज देती है। अब इसके आगे दामोदर, तुम्हारी अपील खारिज कर दी गई है। कल तुम्हें फांसी दिया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? एक ही इच्छा है, मुझे तिलक महाराज से मिलना है। ठीक है विठल, ले चलो इसे। आखिरी बार आपके चरण स्पर्श करने आया हूं दादा। इनकी अपील खारिज कर दी गई है, कल इनको फांसी दी जाएगी। एक आखिरी इच्छा है दादा। बोलो था उधर। फांसी चढ़ते वक्त आपकी भगवत गीता मेरे पास रहे, यही मेरी आखिरी इच्छा है। Thank you.
तिलक जी ने सावधानी बरतने को कहा था, फिर भी सावधानी नहीं बरती गई। अंग्रेज सरकार ने रैंड और अयर्स्ट के हत्यारों को पकड़ने के लिए 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया और उस लालच में चाय फेकर भाइयों के दो साथी द्रविड़ भाई इन्होंने गद्दारी की और उनके नाम पुलिस को बता दिए। दामोदर और बालकृष्ण पकड़े गए। 17 साल का वासुदेव अभी भी पूना में खुल्लम खुल्ला घूम रहा था। सरकार उसे राजा साक्षी बनाने के दांव पेश खेल रही थी, लेकिन वासुदेव की एक ही तमन्ना थी, कब येरोड़ा जेल में जाता हूं और बड़े भाइयों से शाबाशी लेता हूं। शाबाशी के लिए दो गद्दार द्रविड़ भाइयों को मारने की उसने सौगंध खा ली और साथ में लिया महादेव रानड़े को। उस वक्त पूना में समय संकेत के लिए रात 9:30 बजे तोप बजा करती। ठीक तोप बजते वक्त गोलियां दाग कर द्रविड़ भाइयों को मारना ये सोचकर एक दिन रात को पंजाबी नौकरों के पोशाक पहनकर और महादेव रानड़े को साथ लेकर वासुदेव द्रविड़ भाइयों के बाड़े के पास आया। आज पूना में जहाँ खुनिया मुरलीधर का मंदिर है उसके सामने द्रविड़ भाइयों का बाड़ा था। नीचे से टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने आवाज दी, तुमको थाने पर बुलाया है। चाफेकर भाइयों को पकड़वाने के लिए 20,000 रुपए का इनाम द्रविड़ भाइयों को मिलने वाला था, उसमें से अब तक सिर्फ 10,000 मिले थे। शायद रात को 10,000 रुपए लेने के लिए अपने को बुलाया हो, ये सोचकर दोनों द्रविड़ भाई धड़धड़ सीढ़ियां उतरते हुए रास्ते पर आए। वे एक अंधेरी गली में घुसते ही वासुदेव ने पिस्तौल निकाला और एक ही की गोली में उन दो नराधमों को खत्म कर दिया। पूरे पूना में खुशियों की लहर नाच उठी, लोगों ने मिठाइयां बांटी, लेकिन सरकार ने वासुदेव चाफेकर और महादेव रानड़े को भी पकड़ा। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनकर वासुदेव सीना तान कर कहते हैं, मैंने दो भाइयों को मारा है, मुझे दो बार फांसी होनी चाहिए, पहले किसे मारने के लिए होगी। तीनों चाफेकर भाई और महादेव रानड़े को फांसी की सजा घोषित हुई। चाफेकर भाई विवाहित थे। दामोदर को एक लड़की और बालकृष्ण को एक लड़का और लड़की थी। 17 वर्ष के वासुदेव की पत्नी तो महज एक बालिका थी। एक ही परिवार की 3 बहुएं एक ही दिन में विधवा हो गई। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की आजादी के इतिहास में एक ही परिवार के 3 सगे और शादीशुदा भाई अपने देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं। जिस दिन दामोदर चाफेकर फांसी पर चढ़े उसी मध्यरात्रि को महाराष्ट्र के नासिक जिले में भगूर नाम के छोटे से गांव में 15 वर्ष का एक किशोर आंखों से अंगार बरसाते हुए उठा। उसने तलवार पर अपना अंगूठा काटा, काली मां को टीका लगाया और 2 पंक्तियों की मराठी कविता में कसम खाई, कार्य करिता अपुरे पड़ला झुंझत थंती लगो पुढ़े कार्य चालू गिरवित तुमचा पराक्रमान से आमी धड़े। अर्थात कार्य अधूरा छोड़ कर चले गए, चिंता मत करना, आपसे प्रेरणा लेकर हम ये काम पूरा करेंगे। चाफेकर भाइयों की राख से उठा हुआ ये 15 वर्ष का युवक आगे चलकर भारतीय क्रांतिकारियों का कोहिनूर कहलाया, जिसका नाम है स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। साहब आज अचानक सुबह में कहने में बड़ा अफसोस होता है, दामोदर चाफेकर को आज सुबह फांसी दे दी गई।
आपकी भगवत गीता को लेकर शांत मन से फांसी पर चढ़ गया। मृत्यु सामने होने पर भी विचलित नहीं था। इतने वर्षों में ऐसी बहादुरी का मेरा पहला अनुभव है। इतिहास में यह पहला उदाहरण है जब एक ही परिवार के तीन युवा भाई अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। दामोदर, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूं। रैंड के वधकर्ता चाफेकर भाइयों को फांसी पर चढ़ाने के बाद तिलक जी को रिहा करने की मांग ने फिर से जोर पकड़ा। भारत और पाश्चात्य राष्ट्रों के बढ़ते दबाव से मजबूर होकर आखिर तिलक जी को मुक्त करने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा और 51 हफ्तों की कैद भुगतने के बाद 6 सितंबर 1898 को तिलक जी ने फिर से अपने घर में प्रवेश किया। अंग्रेज सरकार ने तिलक जी को रिहा तो किया, लेकिन तिलक की रिहाई उनके लिए महंगी साबित हुई, क्योंकि तिलक का व्यक्तित्व सिर्फ पुणे या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। एक राष्ट्र नेता के रूप में उनकी प्रतिमा बन चुकी थी। अब उन्हें रोकना किसी के पास की बात नहीं थी। योर एक्सीलेंसी द एडवोकेट जनरल, सेंड हिम इन। Your Excellency, how are you? Please sit. Thank you. Mr. Branson, Tilak seems moving toward a disaster. Ah, Sir George, as Advocate General, it is my opinion that whatever he has written so far is enough for us to start the wheels in motion. Good. That's why I called you in, Mr. Branson. Because we don't want to take a chance for moving on an early trial. We want a cut and dried case. For that, I will need to know more about his activities. I mean, I will have to see the dossier maintained on Mr. Tilak and meet someone who has followed him in the past. Someone from the intelligence. Mr. Branson, that's all arranged. Mr. Sabate? Your Excellency. Sir. You belong to police intelligence? Yes, sir. Fix Mr. Tilak up. Mr. Sarvati, let's start with Mr. Tilak's release from prison in 1899. Wasn't part of Tilak's sentence reduced? By the way, you may answer me in Hindustani. I understand it. Sir, जब मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने सिफारिश की तो सरकार को पुनः सोचना पड़ा और उन्हें 4 महीने पहले ही छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी भावना नहीं समझ सकता सत्यभामा। प्रश्न मेरा नहीं है,
मैं सब सह लूंगी, लेकिन बच्चे उन्हें कैसे समझाऊं? देखो, ये व्रत तो मैंने ले ही लिया है। हमारा ये संघर्ष समुद्र मंथन के समान है, और जब तक हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती, मैं इसे अधूरा छोड़ नहीं सकता। मैं समझता हूं तुम पर क्या बीतती होगी सत्यभामा। रहने दो इन बातों को, पहले ही आपके पीछे इतने सारे काम लगे रहते हैं, उनमें मैं और एक तुम में और औरों में फर्क है सत्यभामा। तुम हो तो मैं औरों की तरफ ध्यान दे सकता हूं, और अब हमारा कुटुंब सिर्फ तुम, मैं और हमारे बच्चों तक सीमित नहीं रह गया, अब इसमें सारे देशवासी सम्मिलित हो गए हैं। सर, एक बात के लिए मिस्टर तिलक की सराहना करनी पड़ेगी। आई मीन टू से, जन सामान्य की मानसिकता की गहरी समझ। सर, राजकारण और धार्मिक विचारों का उन्होंने जो तालमेल बिठाया है, उससे बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जो स्वयं एक ज्ञानी पुरुष हैं, वो भी मिस्टर तिलक से काफी प्रभावित हुए हैं। सर, आज हम ये कहना चाहते हैं, अंग्रेजी समाचार पत्र अपनी मर्यादा में रहे। अगर वो उनकी मर्यादा लांघने की कोशिश करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। लोकप्रिय नेता होने के बावजूद राजनीतिक उथल पुथल में तिलक जी ने अपनी विद्वत्ता को मुरझाने नहीं दिया। कारावास के कष्टों में भी उन्होंने ओरायन, ये अपना खगोल शास्त्र से संबंधित ग्रंथ भी पूरा किया था। ओरायन को पढ़ना विश्व भर के विद्वानों के लिए एक रोमांचकारी अनुभव था। उन्हीं में से एक थे आर्य समाज के प्रमुख नेता स्वामी श्रद्धानंद। लखनऊ कांग्रेस के राजनीतिक मंच पर उनकी मुलाकात होने के बाद भी उनमें चर्चा हुई गैर राजनीतिक विषय पर, अर्थात खगोल शास्त्र पर। स्वामी जी, स्वतंत्रता का हमारा यह संघर्ष सिर्फ जमीन के एक टुकड़े पर अधिकार पाने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि मानसिक और बौद्धिक स्तर पर जो हमें पराधीन बनाया जा रहा है, उसका प्रतिकार हो, क्योंकि यह पराधीनता हमें सदियों तक मुक्त नहीं होने देगी। आपके अद्भुत ग्रंथ ओरायन में इस बात की प्रतिध्वनि बार बार सुनाई देती है तिलक जी। जी हाँ, ओरायन मैंने इसी वजह से लिखी है। मैं चाहता था कि समूचे विश्व के सामने, खासतौर से पश्चिम के वैज्ञानिकों के सामने, हिंदुस्तान की विरासत, उसके पौराणिक साहित्य और विज्ञान की सही तस्वीर पेश कर सकूं, जिन्हें बार बार झुठलाया जाता रहा है। खगोल शास्त्र पर आपका इतना अधिकार, इस बात की तो मुझे कल्पना ही नहीं थी। सीधी सी बात है स्वामी जी, ओरायन नक्षत्र में वसंत संपात की उपस्थिति का उल्लेख तो हमारे वेद के श्लोकों में भी है। ये स्थिति आज से तकरीबन 4,500 साल पहले की रही होगी। हम यह बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति कम से कम 8,000 साल पुरानी है। क्षमा कीजिए तिलक जी, लेकिन इन निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए वेदों के अतिरिक्त आपके पास कोई और आधार है? बिल्कुल है। पारसियों का धर्म ग्रंथ जेंड अवेस्टा, हमारी पौराणिक कथाएं, भूगर्भ शास्त्र, भाषा शास्त्र,
यहां तक कि हिम नदियों का शास्त्र, इन सब का अध्ययन करने के बाद ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। पर क्या पश्चिमी वैज्ञानिक इस बात को मान्यता देंगे? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्लूमफील्ड की तरह अगर निरपेक्ष हो तो क्यों नहीं देंगे? प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने अपने व्याख्यान में माना है कि हमारे वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति आज से 4,500 साल पहले की रही होगी। इस बात का उल्लेख हमारी भारतीय विचारधारा में कहीं हुआ है? अधिकतर हुआ है, बार बार हुआ है। हमारी पौराणिक कथाएं, हमारी दंत कथाएं सच्चाई पर ही तो आधारित हैं। वृतासुर का पृथ्वी का सारा पानी पी जाना, इंद्र के हाथों उसका वध, और फिर पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी, यह उत्तरी ध्रुव पर हिम के पिघलने का वर्णन है। और उत्तरी ध्रुव ही आर्यों का नंदन वन है और पारसियों का एनवाइजो, जहां सूरज वर्ष में सिर्फ एक बार निकलता है। तिलक जी, आज के राजनीतिक संघर्ष और उथल पुथल की जिंदगी में आप ये सब सोचने के लिए कैसे स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं? स्थित प्रज्ञ हूं या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता। हाँ, मेरे जीवन में व्यक्तिगत दुख सुख चक्र का कोई स्थान नहीं, लेकिन जब भी भारत की अस्मिता का प्रश्न उठता है तो मुझे छोटी से छोटी बातें भी क्रोधित कर जाती हैं। भैसक तिलक और राजनेता तिलक जिंदगी भर साथ साथ चले। एक ओर वे बौद्धिक कूट प्रश्नों को सुलझाने में मगन थे, तो दूसरी तरफ राजनीति के पेचीदा सवालों से जूझ रहे थे। 1903 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए। उनकी ये यात्रा दरअसल प्रशासनिक खामियों से लोगों का ध्यान हटाने की एक साजिश थी। हाँ, युवराज के सम्मान में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। उन्हें राहत पहुंचाने के बजाय सरकार शाही ठाट माठ में लाखों रुपए उड़ा रही थी। ये देखकर तिलक जी प्रक्षुब्ध हुए और सरकार की उस लापरवाही पर उन्होंने कोड़े बरसाना शुरू किए। एडवर्ड के सिर्फ राजगद्दी पर बैठने पर इतना बड़ा आयोजन, युवराज के हिंदुस्तान आने पर लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में उनके स्वागत समारोह की जो तैयारी की है वो सिर्फ उनके अहंकार का एक मिथ्या प्रदर्शन है, एक दिखावा है। हमारे हिंदुस्तान की जनता पहले से ही प्लेग, अकाल और महामारियों से पीड़ित है। उनके सामने ब्रिटिश राजशाही की भव्यता पर करोड़ों का खर्च, इस देश की प्रजा को भूखा रखकर बादशाह अपने ताज में हीरे नहीं जड़वा सकता। दादा जल्दी चलिए, विश्वनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उस वक्त पुणे में प्लेग फैला हुआ था, इसलिए केसरी का दफ्तर भी गांव के बाहर एक झोपड़े में लाया गया। वहीं पर तिलक जी का 22 वर्ष का पुत्र विश्वनाथ प्लेग का शिकार हुआ। तिलक जी के लिए वो बहुत गहरा आघात था, लेकिन गीता में बताए गए स्थित प्रज्ञता के लक्षण उनमें पूरे पूरे समाये हुए थे। जब गांव में होली जलती है तो हर घर से कुछ ना कुछ आहुति तो देनी ही पड़ती है। मैं समझूंगा ये मेरे घर की आहुति है। एक बात पूछना चाहता हूं, कल केसरी विश्वनाथ की मृत्यु मेरा व्यक्तिगत नुकसान है और केसरी मेरी सामाजिक जिम्मेदारी। कल के केसरी की तैयारी शुरू करो।
केसरी का अंक समय पर निकलना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में आपका यहां रहना, केसरी तो दो दिन बाद निकल सकते हैं। कभी नहीं, केसरी हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, वो जन सामान्य की आवाज है। कल को अगर मेरी या तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए तो भी केसरी समय पर ही निकलना चाहिए। केसरी का अंक मेरे पुत्र के अंतिम संस्कार से कम महत्वपूर्ण नहीं। अपने आघात को, अपने सदमे को उन्होंने सीने में छुपा रखा और अपने जीवित कार्य में जुट गए। अकाल और प्लेग में झुलसते हिंदुस्तान पर अंग्रेज सरकार ने और एक करारा प्रहार किया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया और सारा देश तिलमिला उठा।